रे गा मा रे सा रे गा रे गा दा। मा बाबा दादा नी बा मा बा सा दा नी संगीत में सबसे पहले सबसे उत्तम चीज़ होती है सुर। और आज मैं आपने जितने भी लिसनर्स हैं उन सबको एक छोटा सा एक लेसन देना चाहूँगा। आप सभी लोग समझदार हैं, लेकिन अगर गाने में पिच करेक्ट ना हो, सुर करेक्ट ना हो, तो गाना बिल्कुल असर नहीं करेगा, सुनने वाले को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा अगर आप सुर में नहीं हैं। कभी कभी क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम बेसुरा गा के भी उसको सुर में ला सकते हैं, लेकिन लेकिन जब आप लाइव गाते हैं तो वहाँ ये फैसिलिटी नहीं है, वहाँ आप एक्सपोज हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले पिचिंग करेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद में, क्योंकि पिच करेक्ट होगा, सुर करेक्ट होगा, तो सुर के अंदर ही एक्सप्रेशंस भी छुपे हुए हैं। अब आप कोई भी गाना गाएंगे और गाने में आप पूरा तेरी गलियां, जो भी कोई भी गाना है, तू ना मिला, अगर मैं पिच तू ना मिला, पिच गड़बड़ होगा तो वो एक्सप्रेशंस भी नहीं आएगा। अगर आप सुर में गा रहे हैं तो सुर में ही एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर आपको सही सुर का रियाज करना है तो सबसे मेन चीज़ है तानपुरा, और तानपुरे पे अगर आप रियाज करेंगे तो आपका पिचिंग 440 हो जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको, अरे यार कौन मिलाएगा यार, तानपुरा आधा घंटा जाता है यार, ठीक है फ़ोन से तानपुरा, लेकिन वो भी ठीक है, मैं भी करता हूँ वो, लेकिन मेरे हिसाब से मैनुअल तानपुरे पे रियाज करना चाहिए। तभी आप इसकी जो, जब आप मिलाते हैं तो मिलाते वक्त जो एक फ्रीक्वेंसी आपके कानों में जा रही है वो कहीं ना कहीं बैठ जाती है, और आप जब बंद भी हो जाएगा, जब आप इसको बंद करके रख भी देते हैं, कहीं ना कहीं वो एक आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। मैं समझता हूँ मेरी इस बात से बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे। ये देखें तो जो फ्रीक्वेंसी है आसपास घूम रही है, मामा पा नी पा मा पा तो मैं समझता हूँ पिचिंग करेक्ट करने के लिए तानपुरे पे आप प्रयास कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडियो में बहुत अच्छा साउंड आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वही गाना जब आप लाइव परफॉर्म करते हैं तो उतना मज़ा नहीं आ पाता जितना आना चाहिए। तो दोनों बातें होनी चाहिए, अब स्टूडियो में आप गाएं तो भी ऐसा ही साउंड होना चाहिए। देखिए टेक्निकलिटीज़, हम लोग बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन क्यों छोड़ें हम वो भी चीज़। लाइव में अगर कोई सिंगर अच्छा लगता है और उसकी पिचिंग करेक्ट है, वो मैं समझता हूँ कि सही मायनों में सही चीज़ है।